हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, काफ़ी सारे व्हाट्सएप यूजर का ये सवाल रहता है कि उन्हें अगर जहाँ पे किसी की चैट में कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है, अपडेटेड द मैसेज टाइमर, और जहाँ पे साइड पे एक घड़ी का साइन भी आ रहा है, दोस्तों इसका मतलब क्या है वो तो मैं आपको बताऊँगा ही, साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसके आपको क्या नुकसान है और आप इसको बंद कैसे कर सकते हो। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। बिना देर के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम जहाँ पे किसी की चैट पे क्लिक करते हैं, जहां पे हमें कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है, दोस्तों आपको करना क्या है, जहां पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है और जहां पे आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, जहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिसअपीयरिंग मैसेजेस, मतलब उस पर्सन ने जिस पर्सन के साथ आप चैट कर रहे हो उसने इस फीचर को ऑन किया हुआ है, जिससे कि जितना भी उसने जहां पे टाइम सिलेक्ट किया हुआ है 7 days 24 hours, मतलब इतने टाइम के बाद आप जो भी चैट उस पर्सन के साथ कर रहे हो वो सारी की सारी चैट ऑटोमेटिक कितने टाइम के बाद डिलीट सारी हो जाएगी। अगर आप इस ऑप्शन को बंद करना चाहते हो तो यहां पे ऑफ वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे जब बंद हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसका आपको नुकसान क्या है। दोस्तों, जिस पर्सन के साथ आप चैट कर रहे हो अगर उस पर्सन ने आपको कुछ फोटोज भेजे हुए हैं, वीडियोज भेजी हुई है, तो दोस्तों जैसे इतना टाइम जहां पे हो जाएगा, जितना भी उस पर्सन ने जहां पे सिलेक्ट किया हुआ है या फिर जहां पे आपने सिलेक्ट किया हुआ है, उतने टाइम के बाद आपकी चैट तो डिलीट होगी ही, साथ ही में साथ फोटो भी सारे डिलीट हो जाएंगे और वीडियो भी डिलीट हो जाएंगी। इसके लिए आप जहाँ पे अपने फोटो या फिर वीडियो अगर है उस चैट में, तो जहाँ पे आप 3 dots वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उन फोटोज को आसानी से सेव भी कर सकते हो गैलरी में, जिससे कि वो चैट तो डिलीट होगी लेकिन फोटो आपके गैलरी में सेव रहेंगे। इस फीचर का दोस्तों यही मतलब है डिसअपीयरिंग मैसेज, मतलब जितना भी जहाँ पे टाइम सिलेक्ट करोगे उतने टाइम के बाद आपकी चैट जो होगी वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। अगर फिर भी आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।